हेलो दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेना आता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही तीन तरीके बताने वाला जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है आप अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में शॉर्टकट की मदद से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। या दोस्तों, आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में आपको विंडो और प्रिंट स्क्रीन एक साथ प्रेस करना, जैसे मैं आपको देखिए मैं प्रेस करता हूँ, जैसे देखिए जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लिया। अब स्क्रीन शॉट देखने के लिए आपको यहाँ पर अपने जिस पी सी में आ जाना है, यहाँ पे देखिए जिस पी सी में आ गए हम, उसके बाद पिक्चर पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बन गया स्क्रीन शॉट का। देखिए यहाँ पे ओपन करेंगे, देखिए हमारा स्क्रीन शॉट यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा स्क्रीन शॉट आ गया। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेने के लिए दूसरा तरीका है स्निपिंग टूल। जी हाँ दोस्तों, आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, आपको अपने विंडो में चले जाना है, यहां से आपको सर्च कर लेना है स्निपिंग टूल। देखिए यहां पे आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे और देखिए यहां पे एक स्निपिंग टूल खुल के आ गया। उसके बाद इसको देखिए यहां पे न्यू लिखा हुआ, न्यू पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी एरिया का आपको स्क्रीन शॉट लेना है, वहाँ अपने माउस से कर्सर से यहाँ से प्रेस करके इसको ऐसे खींचेंगे तो उसको छोड़ देंगे। देखिए ऑटोमेटिकली आपका वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेगा। उसके बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको किसी भी फाइल में, GIF फाइल में या फिर JPG फाइल में, किसी भी में आप सेव कर सकते हैं इसको। देखिए मैं इसको सेव कर दिया, देखिए मैं इसको कट करता है। देखिए बहुत ही आसानी से आप इसकी मदद से भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं कहीं भी जो आपको काम पड़े। देखिए यहाँ पे वो मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा दिया, देखिए यहाँ पे स्क्रीन शॉट है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी अपने कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में स्क्रीन शॉट लेने के लिए तीसरा तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका ये भी है। तो दोस्तों, इसके लिए भी आप अपने कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन को एक बार प्रेस करना, जैसे मैं यहाँ पर प्रेस कर दिया प्रिंट स्क्रीन। उसके बाद आपको अपने विंडो में सर्च कर लेना है पेंट। देखिए मैं यहाँ पेंट सर्च कर लिया, देखिए पेंट सर्च किया। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी को पेस्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया, देखिए इसे आपका स्क्रीन को वहाँ से वो कॉपी कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको वहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको PNG फाइल में, JPG फाइल में, जिसमें भी आपको करना है कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। देखिए यहाँ पिक्चर में आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्क्रीन शॉट हमने लिया है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सा तरीका आपको ईजी लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।